मतलब 12 बहने हैं ना टोटल, एक दूसरे की मतलब 12 बहने हो ना, तो फिर कपड़े हमारी एक बहन का कमेंट्स आया था कराची से थी वो बहन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे और हमारे साथ साथ। अच्छा आज की वीडियो जो है ना वो स्टार्ट तो होगी, वो मैं आपको बता दूं कैसे स्टार्ट है। फिलहाल सलाम दुआ ले ले। हाँ बोल बोल बोल। मैं कहने बदले ना तू कल जन वीडियो बड़ा मैं कैमरा फदाए मैं तो कैमरा फदाने नहीं आया, मेरे हाथ ही नहीं हो गए, ये का तो कंबल लाग जे मतलब मैं फाले जो होगी इस वजह से मैं जल्दी ना सर फदा तो ना मेरे को भी ये मोबाइल। अच्छा पहले ये वीडियो देख ले जो इसने बनाई है, वो देख ले फिर मैं आपको बताता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बहन मेरा, ठीक हो, उम्मीद है खैरियत नाल हो, तो मैं भी ठीक हां। ते आज का व्लॉग मैं कर जन शुरू करन दी पई हां, क्योंकि ना से तबीयत काफी खराब है पई, ओ सुंदर सुते हो हैं, ते मैं कल जन वीडियो बनाई दी पई, पता नहीं आज किस तरह मेरी वीडियो बन दी तो किस तरह नहीं बन दी, तो मैं तुम शेयर अजकल जानी करनी है वीडियो मेरे नाल नाल तुसी ना बनाया तो मुकम्मल वीडियो बात करनी ने, ते मैं अजकल जानी हाँ भाई पता नहीं मैं कभी वीडियो बनाई भी नहीं है भाई कल जानी, ते ना सर नाल रल के बड़े नाल बड़े दिन वीडियो, ते आज मैं कल जानी बनाऊंगा, ते दुआ करे भाई खैर नाल वीडियो सही नाल बन जावे मेरे को, ते भाई अंदर सुंदर चलनी है तो दिखाई नहीं, मैं जैसे तबीयत खराब हुई पई है तो नाल मैं तो कैमरा फदड़ नहीं हम तो मोबाइल में फदड़ा ही नहीं हम तो किस तरह मोबाइल फद जाए किस तरह बनाई जाए, मैं उस अंदर जानती पई हाँ, तो मैं नाथ नाल तो सलाम दुआ वेनी हाँ, तो नाले मैं नाथ न कैमरा फदाई है मैंने नहीं वाला मतलब फदन का, तो वहीं था मैं कोशिश करें नहीं नाथ नुआ नहीं कि मेरे नाल बढ़वा भी सही तरह। हाँ जी यार बच्चे बैठे हुए हैं, तो हूँ मैं नाथ नाल सलाम दुआ लवेनी हाँ, तो मैं कैमरा कोई नहीं फदन आता पी है नाथ मैंने आखिर कल जानी वीडियो बना तो काफ़ी तबीयत खराब है पई, तो मैंने आने तू कल जानी बढ़ा मेरे को बढ़ावन वाल ही मैंने नहीं आता पी है तकरीबन 1.5 साल हो गया इसको वीडियो बनाते हुए। पहले भी एक हमारा चैनल था उस पर ये काम कर रही थी, उससे पहले एक चैनल था उस पर भी काम कर रही थी, वो चैनल एक खराब हो गया था, दूसरा हम लोगों ने मतलब नहीं चला था वो भी हमने दे दिया। ये जो चैनल है इस पर हमने तकरीबन 6 माह हो गए हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, तो लगातार काम कर रहे हैं, कोई एक दिन नहीं कोई एक दिन हम लोगों ने नागा किया, लेकिन फिर भी ये कैमरा इसने फर्स्ट टाइम पकड़ा और वो भी किस तरीके से पकड़ा वो आप लोगों ने देख लिया। इसको थोड़ा समझाया फिर कहते हैं भी मैं मतलब बार बार इसको टोकता रहता हूँ, तो मेरे मालूम नहीं हमदा मैं क्या कर दे ना मैं आगे पीछे था तो मैं यहाँ ऐसी तरह वीडियो बड़े सा इस तरह बोले सा इस तरह बोले सा जल मेरे कैमरा था मैं हमदा मैंने बोलना वो लग मेरी बोलती बंद हो जाती मैंने बोलना ही नहीं हमदा मैं बोलना कही है तो कही जवाब देना है तो फिर वो सही है ना, लोग जो है ना वो देखते नहीं है, वो कहते हैं छोड़ो ये देखने वाली है ही नहीं इसकी, ये बातें समझ नहीं आती। तो मेरे साथ दिन दिन तो मैं पता है कि दिन मैं वेंदे हम दिन पण बिरा मैं न वेंदे हम तो मैं इतना इतनी नौबत है हमने कोई ना इतना ना मेरा मुंडा चैनल कोई ना होना तो क्योंकि मेरे भाई भाई वेंदे तो मेरे टाइम वाइज पूरा होया तो मेरे के व्यास करा भर जाए वो पूरे हो इस वजह तो मैं ना इन तरह मेरे भाई भाई मेरे साथ दिन दिन मैं तवा नहीं है हमारी एक बहन का कमेंट्स आया था कराची से थी, वो कह रही थी भाई नासिर भाई ये वाकई बहुत तेज बोलती है भाई, इनकी समझ वाकई नहीं आती, अगर ये ऐसा बोलेंगी ना तो हमें समझ आ जाएगी। तो मैंने कई मरतबा बाजी से मना किया है भाई ऐसा बोला करें, स्लो बोला करें, वैसे ऊंची आवाज़ में ऊंची बोलें लेकिन लफ्ज़ जो है ना वो एक एक मतलब तसल्ली से बोला करें ताकि हमारी जिन बहन भाइयों को जिनको समझ नहीं आती उनको समझ में आ जाए। तो ये आप अपनी जबान में समझ, आप तो कमेंट्स करती है ना भाई हमें नहीं समझ आई, तो मैं तो समझा रहा हूँ अब खुद ही देख लें भाई। तो हम शुरू तो बोल भी गया सी हम मैं के कर मैं एक लफ्ज में थोड़े ही बोले जांदा मैं कुछ तो सा कर नहीं मैं एक एक कर के लफ्ज बोला नहीं बोले जांदा मैं तो मेरे 120 की स्पीड पे ना जबान चलाया करो ना। फिर कहते हैं जी औरतें कम बोलती हैं, ये औरतें जो है ना बेइंतहा बोलती हैं, नहीं नहीं ऐसी होती नहीं नहीं किसी किसी की तो होती है ना भाई आदत जड़ी ना बच्चे तो बोल जाती है ऐसा तो बोलने वाली नहीं मतलब क्योंकि मेरे सारी बहना थी नौ बहना है माँ चला नौ बहना तो नौ बहना है इन्हें तेज तेज लेनी है। कल मैं तो गई मेरी मम्मी आई वाली आई वो तो मैं गई मेरी बहन पता नहीं की बोली तो मैंने आप नहीं समझ नहीं आई मैं क्या जल्दी जल्दी बोली मैंने नहीं सही समझ। अच्छा एक बात ये बोल गई है नौ बहने नहीं है 12 बहने हैं, दोबारा याद करो दोबारा याद करो बहने तो नौ है ना सकी माँ की देख ले कितनी बेटी है हाँ तो नौ ही है फिर भी सोच ले 12 है 12 मैं तो बहन कोई नहीं ना मैं तो हूं बहन 12 है ना दुनिया को जो अम्मी दी दुनिया जड़ी ओ 12 वही मतलब ते 12 बहने हैं ना टोटल। हां जी 12 बहन एक दूसरे की मतलब 12 बहने हो ना तो फिर 9 क्यों बोलिए मैं अपनी अपनी गिनती नहीं करेगी मैं अपनी तो उनकी बहन नहीं है
तो मैं कौन सा कह रहा हूँ मेरी बहन, मैं कह रहा हूँ अपनी बहनों की बात कर, अपनी बहनों की बात कर। 12 बहने हो या नहीं बहने, देना तो 12 बहने हो या नहीं हो, 12 बहने तो है बनवाइए तड़े हूँ, 12 तकरीबन ई तू मुकर गई है। इसे पता है वो मेरी बहन है जो वीडियो देखी, तो वो भी तो सकी है, वो माँ की तरफ से सकी है। माँ की बेटी है वो बहने नहीं है, मतलब माँ की बेटी देख आज निखेड़ा हो गया है भाई, ये लोग हाथों पाई कर रही है, आज निखेड़ा हो गया आप लोगों का। अगर ये इसकी बहन है जो मुंह बंद कर नहीं आज आप लोगों को यकीन हो गया, मैं पहले कहता था ये तुम्हारी बहन नहीं है, ये देख एक बात भी टिकी नहीं रही, एक बात भी नहीं टिक रही, माँ की तरफ से सकी बहन नहीं है, है तो सही ना, आज तो निखेड़ा हो गया जी, आज आप लोगों को पता चल गया भाई इसने जो है ना अपनी मतलब बहनों को बहन नहीं समझा देख लो, और ये है हालांकि मैं अब ये तो ऊपर वाले पलेथन है ना उसको जो बहनों को लगा रही है बारह, आज मैं हालांकि मैं कहता था भाई ये मेरी सकी साली है और है भी सही, मैं मानता भी हूँ, और ये जो है ये आज इसने मुकर गई भाई हमारी 9 बहने, हम लोग वो हमारी बहने है ही नहीं, बस बस आज निखेड़ा हो गया। अच्छा जी बात करते जी है इस, ये टोटल 12 बहने हैं तो, और ये 12 बहने जो है ना ये इतनी स्पीड से ही बात करते हैं जितनी स्पीड में ये है, और ये मेरा काम है जो बर्दाश्त कर रहा हूँ वो नहीं बर्दाश्त करते, वो रुकते ही नहीं है भाई, वो रुकते ही नहीं है, वो भी इसी के कजन है, वो भी इसी, वो जो दो चार है वो भी इसी के कजन, जो बाहर के हैं जो दूर के रिश्तेदार हैं वो इनकी सुनते ही नहीं है। हाँ ये आज बात क्लियर हो गई है, मेरी मजबूरी है, मैं बस फंस गया हूँ, मैं फंस गया हूँ ना, आई 5 दिनों से मैं बीमार पड़ा हूँ, 4 पाई में पड़ा हूँ, इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे पूछ जाए भाई क्या मसला है, कोई हाल वाल पूछे, कोई दवाई वगैरह लेके दे, कुछ नहीं। आज 5 दिनों के मैं 4 पाई में पड़ा हूँ, मेरी कमर में इतनी ज्यादा तकलीफ है, मुझे खांसी ऊपर से मेरे छाती में बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ है, वो तकलीफ के हालत में 4 पाई में पड़ा हूँ, इसने इतनी नहीं जुरात भाई ये पूछ जाए, तो नहीं आराम आया, कौन सा पूछा है, तो 5 दिन हो गए मैं 4 पाई पे पड़ा हूँ। अच्छा जी चलते वीडियो की तरफ, आज जो है ना वो कुछ कपड़े वगैरह लेके लड़ाई ये करने लग गई है, मैं थोड़ी करने लगा हूँ, एक तो बहनों से मुकर गई, दूसरे मेरे से मुकर गई है, तो हम लोग लेके आते जी बच्चों के कपड़े, आज बच्चों के कपड़े उठाने थे दर्जी से, और वो जिस घर में हम लोगों ने दिए थे उनके कपड़े उठाने थे, वो हम लोगों ने परसों वीडियो में भी आपको दिखाए थे, कुछ कपड़े उठा के हैं वो आपको दिखाते हैं। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਮੰਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੁੱਤ ਦਿਓਗਾ
तो असल में बात ये है भाई, जो है ना वो मैंने हल्के मना भी किया भाई, उनका जिक्र नहीं कर, कोई मसला नहीं है, वो दे देंगे पैसे। तो बात ये भाई, हमने लेने थे किसी बंदे से पैसे, तो उन्होंने वादा कर रहे हैं भाई, अभी भी मैंने कॉल की, ये वीडियो रोक के मैंने कॉल की थी, तो वो कह रहे हैं जी अभी दो दिन और रुक जाए, तो पता नहीं अब मिलते नहीं मिलते। के दो दिन नहीं, सवाणी बंदे आके ना सवाणी को नाल मगाल की, तो साके बाजी सर को कोई नहीं, मदर तड़ को मंगने आती तू बात नहीं, मदरत क्या वो अब पता तो है भाई, ईद आ रही है, हम लोग बच्चों को बाजन के साथ को लाभ कोई नहीं, मैं तड़ को तो कोई नहीं, मैं बच्चे सिलाई देनी है, मैं कपड़े भी बिखार तुम उससे शोर के से मेरी बात हुई थी फोन पे, वो कह रहा था भाई वो कर लेंगे दो दिन तक, नहीं वो बाजी दिखा गई है ना, मैं काली की बाजी दिखा गई है, तो भाई मिन्नत कर लागी बाजी जड़े में मदर करे नहीं, तू बात और मैं पैसे दिसा, नहीं तो उनके तो उन लोगों ने तो कपड़े ले लिए, उनके तो सारा कुछ हो गया, तो अब हमारे साथ वो इस तरह क्यों कर रहे हैं। अच्छा हमारे पास पड़ी थी मोटर, सिलाई वाली मोटर नहीं होती, मशीन की मोटर पड़ी थी, तकरीबन दो तीन साल से हमारे घर में पड़ी थी, फालतू पड़ी थी ना, वो हमने बेची थी ना किसी को भाई, वो हमने दे दी थी भाई यार ये रख ले भाई, हमें पैसों की जरूरत है, तो वो मैंने दी थी, तो उसके वो पैसे लेने थे, तो वो अब हमने कहा चलो बच्चों के जो है ना कपड़े सिलाई वगैरह जो है ना वो चलो वो मोटर दे के उसकी सिलाई वगैरह पूरी कर लेंगे, वो दे दी हमने, चलो मरी मरी आना है देना, तो कोई नहीं है पिए रात निकाल, कोई नहीं तला पिए देना, तो थोड़ा बहुत पिए हो जाए, तो रोज गया 25 रोज हो गए। नहीं तो मैं ये चाह रहा था भाई, वो मोटर दी थी, तो मैंने कहा चलो बच्चों की सिलाई पूरी हो जाएगी, तो अब वो तो उसके 150 रुपये दिए थे ना उसने, तो फिर वो उसको बोलो ना भाई यार अपना 150 वापस ले ले, हमें मोटर वापस कर दे, फिर हम किसी और को दे देते, नहीं मैं कपड़े दे सकती हूँ कपड़े मुड़के, ये भी बहुत ज्यादा मसला बन गया जी। मैंने मोटर दी थी 700 रुपए में, हालांकि वो कम से कम 1500-1600 की मोटर है, मैंने कहा जब 700 में रख ले चलो बच्चों की सिलाई जो है ना वो पूरी हो जाएगी, तो अब उसका 150 रुपए उन्होंने दे दिया था, वो 150 घर में खर्च हो गया, तो अब ये कपड़े जो है ना वो सिलाई होके कुछ कुछ आ गए, कुछ उनको बोला था हम लोगों ने परसों भाई ये आपको पैसे दे देंगे, तो हालांकि वो उधार भी उसने किया था, वो कह रही थी बाकी कुछ बच जाए तो वो बाद में कर लेंगे, तो यार ये भी परेशानी हो गई, चलो ईद गुजर जाएगी, अल्लाह पाक करम करेगा, पिछली ईद पे भी हमें कुछ परेशानी इस तरह की हो गई थी, लेकिन अल्लाह पाक ने बादल पकड़ लिया था ना, तो अब देखते हैं फिलहाल जो है ना अभी फारी का टाइम होने वाला है असर के दौरान आज की। अच्छा जी मैं सब्जी लेके आ गया हूँ, और ये ले भाई वो टिंडे नहीं, वो क्या बोलते हैं गोभी नहीं मिली, और ये पेड़ी हैं लेके आ गया हूँ, तो ये सस्ती मिल गई थी, वो कह रहा था भाई 80 रुपए है ना किलो, तो मैंने पेड़ी ले ली, और 20 रुपए का मैंने बोला प्याज और वो टमाटर डाल दे, वो उसमें उसने डाल दिया, वो प्याज भी इतने महंगे थे, वो कह रहा चल ले जो मिर्चें रहने दे, वो लाल मिर्ची डाल दे, क्योंकि उसके पास एक तो मिर्ची थी नहीं, दूसरा वो उधार नहीं कर रहा था, मैंने कहा चलो वो सुबह मैंने कहा कर लेंगे, तो अफ्तारी वो बनाना इसका सालन वगैरह बना ले, और वो पड़ा हुआ है नींबू पड़े शिकंजी बना लेना यार साथ, नहीं है बस वो टैंक वो उसका पानी बना लेना, तो बहरहाल जी आज हमारी जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी आज हमें हो चुकी है, और समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्योंकि एक तो उनकी भी कॉल अच्छा वो कॉल आई थी उसकी वो बाजी की, वो कह रही थी वो कपड़े आपके बने पड़े वो उठा लो पैसे, मैंने उसको बोला मैंने कहा वो पैसे अभी नहीं है हमारे पास, कह रही कुछ कर लो 500-600 रुपये कर लो बाकी बाद में कर लेंगे, वो कह रहे हम लोगों ने बच्चों की ना चूड़ियाँ वगैरह लेनी 500 रुपये, तो उसको दोबारा मिलना जाके उसको बोल भाई हमें कुछ ज़्यादा नहीं तो हमें कुछ तो करके दे दे, ताकि हम लोग कपड़े तो बच्चों को उठा लें, हाँ तो बच्चों की वो
अब मरियम लोगों ने भी तो कहना है हमें भी चूड़ियाँ लेके दो, कोई और चीज़ नहीं पड़ी हुई कोई घर में, कोई मतलब वो कोई दे दे, वो नहीं स्त्री क्या होनी है, कुछ और देख ले कुछ घर में पड़ा तो। पर जी कुछ करते हैं बच्चों की, ये तो करनी है बच्चे, अब मरियम लोगों ने भी आना है तो उनके लिए भी ईद की तैयारी करनी है कुछ। हाँ जी क्योंकि बतियाँ वो तो नहीं फरमाश करेंगी, वो तो नहीं आती है सब फलाने चाल आ जाए फलाने चाल आ जाए जा रहे मोड़ देता है। हाँ बच्ची हैं वो ऐसी बात है, वो मांगती तो हैं, मांगती तो नहीं है, खैर मरियम माई जो है वो खुद ही शर्माती रहती है ना, वो उन्हें पता है वो बीमार है और काम भी नहीं है, वो खुद शर्माती रहती है ना। तो मांग लेती शगुफ्ता जो है ना वो तो भाई उस्ताद है, वो तो कहती है भाई मेरी, वो कहती है बेशक सब भी चार पाई में पड़ जाओ लेकिन मुझे भी ये चीज़ चाहिए। हाँ वो तो भाई मांगती है, वो कहती है भाई मुझे चाहिए चाहे आप बीमार हो मुझे चाहिए। और बाकी ये है भाई मरियम जो है वो नहीं मांगती, नहीं मांगती वो नहीं मांगती, तो हाँ वो मेरे लिए छुपा छुपा के रखती है अबू के लिए ना दवाई, भाई वो बहन से छीन के खा जाती है मरियम जो है, वो मेरे लिए छुपा छुपा के रखती है भाई अबू के ना पैसे इकट्ठे कर अबू की दवाई लेंगे, वो क्या है बच्चे है ना वो उनको तो नहीं पता भाई इतनी महंगी दवाई है कम से कम। हालांकि मैं वो चेक अपना वो पतन क्या बोलते हैं डॉक्टर ने कुछ बोला है भाई ये मुकम्मल सर से लेके पाँव तक जो है ना उसका कुछ पतन क्या बोलते हैं वो चेकअप करा वो 32,000 का है। तो बस अल्लाह पाक करम करे। तो बहरहाल जी आज की वीडियो हालांकि बनाने का इरादा नहीं था, बस ऐसे ज़बरदस्ती हम लोगों ने बनाई है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।